अभी इस वक्त मैं आई हूँ एशिया मॉल, बिश्केक सिटी का ये मॉल है एशिया मॉल। तो बड़ी तारीफें सुनी है लोगों ने, कहा कि एशिया मॉल जरूर चाहिएगा। दूर से मुझे ये किर्गिस्तानी सकाफत नजर आ रही है, अब अंदर जाके देखते हैं मॉल कैसा है, अच्छा है, क्या है, मजा आता है नहीं आता है। चले मेरे साथ चल के देखते हैं। ये जो है एंट्रेंस है, ये भी एंट्रेंस है, ये दोनों इन्हीं की लैंग्वेज में लिखी है, इंग्लिश में नहीं लिखा, लेकिन इतना तो पता ही है, 10 to 22। वाह, इट्स नाइस, दिखने में तो अच्छा लग रहा है। ग्राउंड फ्लोर ये पूरा, तो अब समझ नहीं आ रहा इस साइड जाएं या इस साइड जाएं। इस साइड चलते हैं। ओके, एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, क्योंकि मैं 2-3 मॉल्स और गई हूँ जो मुझे इतने अट्रैक्ट नहीं करे है ना, तो एशिया मॉल नाइस, मैंने अच्छा डिसीजन लिया। मैंने कहा चलो यार एशिया मॉल चल के देखते हैं, देखते जाएं बस आप लोग मेरे साथ साथ। वो देखिए वो रग दिख रहा है लटका हुआ, अच्छा लग रहा है। इसमें ऊपर चलते हैं, बच्चे ऑलरेडी भाग रहे हैं ऊपर, और मेन फोकस मेरा है खाने पे, क्योंकि आई एम वेरी हंग्री। मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और अभी इस वक्त बज रहे हैं दोपहर के 3, तो लंच टाइम तो हो गया यार, तो भूख बड़ी जोर शोर की लगी हुई है यार। ये रग कितना प्यारा है, ठीक है। तो यहाँ पे किर्गिस्तान के लोग, कुछ टूरिस्ट, कुछ हम, अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं किर्गिस्तान में, जो है ना पाकिस्तान से, इंडिया से भी बच्चे आए हैं स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पे स्टडीज करते हैं। और आगे चल के देखते क्या है। काफी अच्छा मॉल है, बड़ा है, नीट एंड क्लीन। मुझे सच में मॉल पसंद आया, एशिया मॉल। स्कार्फ मिल रहे हैं यहाँ पे, ज्वेलरी। चलो अब सेकंड फ्लोर पे चलते हैं, दिस इज फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पे आप लोग ब्रांड्स देख सकते हैं कौन कौन से ब्रांड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे लेडीज अपने नेल्स एक्सटेंशन करवाती हुई, ये स्टूडेंट्स मॉल में भी पढ़ाई कर रहे हैं यार, पढ़ाकू बच्चे मॉल में आके भी पढ़ाई कर रहे हैं। चलो सेकंड फ्लोर पे चल के देखते हैं क्या है। पूरी कोशिश होगी मॉल, पूरा मॉल दिखाऊं, एक एक चीज दिखाऊं, पूरा यहाँ घूम के दिखा देती हूँ धीरे धीरे। देख सकते हैं यहाँ पूरा, ये फर्स्ट फ्लोर है, लेट्स गो ऑन सेकेंड फ्लोर। शॉपिंग तो इतनी करनी नहीं है हमको, तो ज़्यादा फोकस हमारा फूड पे ही है। चलो चल के देखते हैं खाने में, फूड कोर्ट में क्या क्या है। अपना तो पसंद है यही है, मैं कहीं पे भी जाती हूँ मुझे एक ही चीज़ समझ आती है, वो है केसरी। लेकिन मैंने इनके खाने भी ट्राई किए हैं, किर्गिस्तान के खाने जो है बड़े मज़ेदार हैं, इनके कबाब वगैरह जो है ना, इनके बारबेक्यू बड़ा अच्छा है। इनके मैंने कल कबाब खाए थे, लैम्ब रिब्स खाई थी, इनके खाने भी अच्छे मज़ेदार हैं। थोड़ा ईरानियन और तुर्किश टच आता है इनके खानों में, जो कि मैंने खाए हैं बारबेक्यू वगैरह। ये है इनका फूड कोर्ट। अच्छा इनकी रोटी एक स्पेशल रोटी होती है, जो कि मैंने कल बाजार वाली वीडियो में भी दिखाई थी। दिस इज फूड कोर्ट, और ये बच्चों का प्ले एरिया है। सामने सिटी कैफे है, जहाँ पे इनके अपने खाने हैं। तो हम उस साइड चलते हैं फूड कोर्ट में, और वहां जाके देखते हैं क्या क्या है। जलेबी फूड कोर्ट, अच्छा ये देखिए, ये इनका पूरा फूड कोर्ट है, और सामने बीफ बर्गर हलाल। अच्छा मजे की बात ये है कि ये मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पे हर चीज हलाल है, फूड इनके हलाल है, और बकायदा इन्होंने लिखा हुआ है बहुत जगहों पे हलाल ना, ये देख सकते हैं आप लोग।
मैं सारे दिखा सकती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या खाने का मिल रहा है। हाँ सामने फास्ट फूड है। माई फेवरेट डिश अंकल, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है मैं KFC खा लूँ बिना कुछ कुछ सोचे समझे। ये इनकी ही ब्रेड है, दिस इज कॉल्ड समसा, और वो उनकी जो है किर्गिस्तान की अपनी एक ब्रेड है। मैंने सोचा भी नहीं था कि किर्गिस्तान में बिश्केक में मैं 4 दिन से हूँ तो मुझे इतना अच्छा मॉल दिखने को मिलेगा। और सामने पेप्सी एंड पॉपकॉर्न, लुक सो नाइस। मूवी देख लें कौन सी लगी है। और मुझे ये बड़ा प्यारा लगा, पॉपकॉर्न और पेप्सी। और बड़े प्यारे लोग, मैंने उनको बोला मेरी फोटो ले लें तो उन्होंने मेरी फोटो भी ले ली। चलो भाई चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं। भूख बड़ी टाइट की लगी है यार, बहुत जबरदस्त भूख लगी है कसम से। सिनेमा वाले हिस्से से अब निकल के थोड़ा उस साइड जाते हैं, KFC वाले साइड। कभी दिल कर रहा है कि कुछ यूनिक खाऊं, कुछ किर्गिस्तानी फूड खाऊं, लेकिन ये कभी दिल कर रहा है कि नहीं यार, 4-5 दिन से जो है कुछ ना कुछ ट्राई कर रही हूँ और KFC खा लेती हूँ यार। तो फर्स्ट प्रायोरिटी KFC है, देखती हूँ अगर कुछ समझ नहीं आया तो फिर KFC ट्राई करूंगी। ओके, और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। बर्गर स्टेशन, मसाका। ओके, दिस इज सुफ्रा, यहाँ पे भी बैठ के खा सकते हैं इनके खाने ये। ओ दिस इज सुफ्रा, यहाँ पे ईरानियन और पक टाइप कुछ खाने हैं। ओ दिस वन नाइस, व्हाट डू यू थिंक, हम KFC की बजाय ये खाएं? अभी मैं सोच रही हूँ KFC के बजाय हम ये ट्राई करते हैं। दिस वन नाइस यार, 389 का है, प्राइस भी मिल जाएंगे हमको। ये जो है ना, काफी स्टूडेंट्स मुझे खाते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्यों ना ये ट्राई करें, अच्छा है जब भी सब खा रहे हैं। चलो इधर से कुछ ट्राई कर करते हैं KFC, फिर कभी अगर यहाँ से अगर धूप नहीं मिटी और पसंद नहीं आया तो फिर हम KFC ट्राई करेंगे। फिलहाल ये देखते हैं, ये इनका मेन्यू है सारा, पर कुछ समझ नहीं आ रहा है, इन्हीं की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा। पर मैं सोच रही हूँ ये ट्राई करते हैं। ये मैंने ऑर्डर किया, ये है 280 सोम का। दिस इज फ्राइज, कैप्सिकम, सम वेजेस, और वो कह रही है कि चिकन है, आई डोंट नो चिकन और मीट। लेट्स ट्राई करते हैं कुछ नया। दिस वन चिकन और मीट, एक्सक्यूज मी, दिस वन चिकन और मीट, चिकन, गिव मी वन दिस। ओके आई डोंट नो चिकन। वहां पे आएगा रेडी होके। ओके अच्छा, ये जो है ये चिकन है, ये बीफ है, तो मैं चिकन वाला ले रही हूँ। ये एक जो पेटी है ना, इस ये है 70 सोम का। खा के देखेंगे कैसा है, ट्राई करते हैं। ओके लेते हैं, इतना टाइम ले रहे हैं कसम से कम भी 15 से 20 मिनट हो गए, पर अब तक रेडी नहीं हुआ यार, बहुत टाइम ले रहे हैं लोग। यहीं पर ही कुक हो रहा है पर इतना टाइम समझ नहीं आ रहा। तो फाइनली हमारा खाना आ चुका है और ये रेडी हो गया है। मुझे फ्राइज और कुछ वेजीज नजर आ रही हूँ, पर चिकन ना मुझे इस डिश का नहीं पता ये क्या मैंने ऑर्डर किया है, क्योंकि इन्हीं की लैंग्वेज में था। और साथ में ये पेटी है, आई डोंट नो पेटी से क्या है, अंदर चिकन वाला लिया है मैंने। चलो जाके बैठते हैं कहीं पे, खा के देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। डिश का नाम नहीं पता पर खा के रिव्यू दे सकते हैं कि ये कैसा है और कितने मजे का है, और इसका नाम है वॉक लगमान। चलो कुछ नया ट्राई करते हैं आज। पर कहाँ बैठे कहाँ बैठे कहाँ बैठे कहाँ जगह है, कहीं जगह नजर आ रही है आप लोगों को?
जल्दी जल्दी से बताओ, कहीं कहीं अगर नजर आ रही है। ओ, सामने नजर आ गया मुझे, वहां चल के बैठते हैं। सही, यहाँ पे बैठते हैं और फिर ट्राई करते हैं कि ये खाना कैसा है। भूख इतनी जबरदस्त किस्म की लगी हुई है ना, कुछ खाया नहीं है, और खा के अब हम देखेंगे कैसा है। ये देखें, देख सकते हो आप लोग, फ्राइज है, वेजीज है, दिखने में कुछ चाइनीज जैसा लग रहा है। और ये पेटी निकालते हैं हम लोग को। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। या ये, और इसके साथ इन्होंने चॉपस्टिक दे दी है, और ये स्पून दिया है, और सम टिश्यू। ये ट्राई करते हैं। ओके, अभी देखते, कुछ नजर नहीं आया इसके अंदर। ये आया चिकन, ये रहा चिकन आया, ये वाला बैठ लेता। मजे का। और ये क्या है, लेते हैं एक शिमला मिर्च, कौन सा, ब्लैक पेपर, और ये एक फ्राइज। इधर ट्राई करते हैं। ओके, बिस्मिल्लाह। मजे का है, बहुत फ्रेश है, गर्मा गर्म है। बहुत मजे का है। एक तो सबसे बड़ी बात, इतना फ्रेश है, अभी अभी पक्के है, गर्मा गर्म है। फ्राइज एकदम क्रिस्पी भी है, और अंदर ना क्रिस्पी क्रिस्पी भी हो रही है। एक वाव, चाइनीज लग रहा है बिल्कुल। मजा हो गया, अल्लाह, बिल्कुल फ्रेश है सब कुछ। देखो, कैप्सिकम तो बिल्कुल क्रंची क्रिस्पी हो रही है, जबरदस्त कुक किया हुआ है यार, ओवर कुक नहीं है। ये वाला ना चिकन का पीस ट्राई करती हूँ। अगेन दिस वन, एक बाइट इसका। मजेगा, इसमें ना गार्लिक की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। गार्लिक चॉप करके डाला है इन्होंने, तो थोड़ा गार्लिकी हो रहा है, और उसके सॉस और मसाला बहुत मजे का है। ये ट्राई करती हूँ। मजेदार। अब एक काम करती हूँ, मैं जल्दी से खाना फिनिश करती हूँ, वीडियो को बंद करती हूँ, खाना खत्म करके मॉल और घूमेंगे, और थोड़ा आइसक्रीम आइसक्रीम ट्राई करेंगे, या कॉफी कॉफी नहीं, आज आइसक्रीम ट्राई करेंगे मॉल में। ठीक है, तो मैं जल्दी से खाना खत्म कर लूँ, इजाजत है, चलो। खाना शाना हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, पेट भर गया मेरा, पेट पूजा हो चुकी है, और बड़ा मजा आया, और काफी मजा किया। अब खाने के बाद मीठा तो बनता है, तो क्यों ना आइसक्रीम ट्राई की जाए। वो सामने मुझे आंटी आइसक्रीम बेचते हुए नजर आ रही है, और देखते हैं कौन कौन से फ्लेवर्स हैं यहाँ पे। मैं तो हमेशा चेरी पे ही जाती हूँ, और चेरी देख के मुझे लग रहा है वो चेरी है, लिखा क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि इन्हीं की लैंग्वेज है यार। तो छोटा जो है स्कूप वो है 70 का, और बड़ा जो है 140 स्टेम का। एक्सक्यूज मी, गिव मी दिस वन, या चेरी स्मॉल। ओके,
तो स्मॉल लेते हैं हम चेरी या स्मॉल, क्योंकि मीठा तो हम खाते नहीं है ज्यादा, बस थोड़ी सी मीठे की क्रेविंग ही दूर करनी है तो स्मॉल हमारे लिए बहुत है। दूसरे मैं ट्राई नहीं करती, ये कौन सा है यार, दिस वन लुक्स ऑल्सो नाइस, दिस वन विच फ्लेवर इज दिस नेम। अच्छा यार ये भी बड़े मजे के लग रहा है यार, मैंने चेरी ले ली, सारे अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। पता है सोच रही हूँ आइसक्रीम के बाद क्या करूँ, आज पर लगी आशी हो रही है पता है, खाना पीना आइसक्रीम, हाय 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 ये मजे मजे मजे, 4 दिन की जिंदगी मजे ले लो भाई, खा लो पी लो ऐश कर लो। क्या टेस्ट है यार, और महंगी भी नहीं है, ओनली 70 सोम, मुश्किल से 5 दरम, और इतने मजे किए। और ये आई डोंट नो चिकन एंड मीट है पर है बड़ा मजे का कसम से। एक काम करूंगी, होटल जाऊंगी तो ये एक लेते हुए जाऊंगी ताकि रात में खा लूं, पता है रात में खा लूंगी। यहाँ पे फ्रेश जूस मिल रहा है, फ्रेश जूस, ओ ये भी आइसक्रीम है। इसके भी ये सारे फ्लेवर्स हैं, और ये डोनट शोनट, 99 का ये डोनट है, अच्छा यार, मजेदार मजेदार मजेदार। सोचू डोनट भी लूँ, जब चीट कर रही हूँ तो सही से करूँ ना, सब कुछ खाऊं पीऊँ, है ना, चीट का मतलब ही यही है चीट। तो सोचू इनमें से कोई एक डोनट ले लूँ, ये वाला, ये अच्छा लग रहा है, अच्छे तो सारे लग रहे हैं लेकिन दिस वन लुक्स नाइस। यार ये सामने केक थोड़े अच्छे यूनिक स्पेशल लग रहे हैं, देखें मजे के लग रहे। ओ उसके पी, और ये केक्स हैं, ओ इनको ट्राई करेंगे यार, सारे अच्छे हैं। इनके प्राइस पूछती हूँ कितने का, इसका नाम है पोंटी पेस्ट्री, और मेरा दिल आ गया, अब मैं कंफ्यूज हूँ कौन सी वाली पेस्ट्री लूँ, चॉकलेट भी है रेड वेलवेट है, इतनी वैरायटी है कौन सी लूँ, क्या देखता। ये वाली 150 की है और ये वाली 180 की है, बच्चों की जाली शैली। इतना कुछ खाने पीने के बाद और घूमने फिरने के बाद अभी भी केएफसी की क्रेविंग नहीं गए यार, अभी भी जो है ना पेट बोल रहा है कि फिर जा केएफसी खा लो, तो यार पूरी मिल नहीं लेते हैं, बर्गर तो बनता है यार या छोटा सा कोई पीस वीस, चलो केएफसी में देखते कुछ लेते हैं यार, केएफसी खाने का बड़ा मन कर रहा था मेरा पता है, इतना कुछ खा लिए पेट भरा हुआ है पर ना क्रेविंग नहीं जा रही केएफसी की, तो ट्राई करते हैं यहाँ पे थोड़ा कोई छोटा सैंडविच बर्गर या कुछ मिल गया तो लेते हैं। एक जिंगर ऑर्डर कर लिया और अब जिंगर लेते हैं, ठीक हवे दिस वन, ओके ये आ गया हमारा जिंगर। केएफसी की क्रेविंग बड़ी गंदी है यार कसम से, इतना कुछ खाने पीने के बाद भी ना केएफसी नहीं खाया, ऐसा लग रहा था कुछ नहीं खाया, चलो ट्राई करते हैं बर्गर देखते हैं कैसा है। चाचा तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की हुई है, केएफसी वाले चाचा, तुम्हें मैं ना खाऊं तो मुझे सुकून नहीं आता, चलो आइयो कम हियर, चलो देखते हैं किर्गिस्तान में जिंगर का टेस्ट कैसा है, मजे का है या नहीं है, देखते हैं यहाँ का जिंगर। ओ वाओ ये जिंगर मुझे पड़ा है ओनली सैंडविच 229 सोम, अच्छा
नॉट गुड नॉट बैड, वाओ वाली फीलिंग नहीं आई, स्पाइसी नहीं है और सही है, ठीक है, इतना मजा नहीं आया, जिंगर टाइप टच नहीं आया बस, आई डोंट नो। यार ये लेते हैं समोसास विद बीफ 80 फ्रॉम समोसास विद चिकन चीज 80 फ्रॉम समोसास विद चिकन 80 ये एक लेते हैं, ठीक है चलो नीचे चलते हैं फूड कोर्ट को, टाटा बाय बाय करते हैं, बहुत कुछ खा लिया, बहुत फूस लिया, जरूरत से ज्यादा खा लिया, साथ में ले भी लिया रात के लिए, क्योंकि वहाँ पे ना मुझे कुछ समझ नहीं आता खाने पीने का ना, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा था समसा समसा समोसा क्या था, तो ये मैंने ले लिया है रात में खाने के लिए। तो अभी नीचे चलते हैं और थोड़ा बहुत मॉल और घूमते हैं, फिर बाहर जाएंगे। इतने शौक से मैंने जिंगर लिया था, मैं समझी जिंगर मज़ेदार सा होगा, उतना गर्मा गर्म क्रिस्पी क्रंची, अल्लाह की कसम एकदम ठंडा पाला, एकदम बर्गर बिल्कुल सॉफ्ट, चिकन एकदम सॉफ्ट, स्पाइसी भी नहीं थी और बर्गर भी जो है ना फ्रेश नहीं था, उसका जो बन था मज़ा नहीं आया यार, वल्ला मज़ा नहीं आया, सब कुछ पसंद आया, सब कुछ पसंद आया सिवाय जिंगर के, हर चीज़ मैंने खाया मज़ा आया, हर चीज़ इंजॉय किया, पर जिंगर ने डिसअपॉइंट कर दिया यार। ये देखो प्यार मोहब्बत रोमांस हो रहा है, इतने छोटे छोटे बच्चे प्यार करेंगे तो कहाँ जाएगा जमाना। ये मोहब्बत है, हर इंसान को मोहब्बत होती है ना, हर इंसान की प्रेमिका होती है, और ये बचपन की मोहब्बत, ये तो स्टूडेंट ही लग रहा है छोटे छोटे से। चलो खैर है, उनकी मोहब्बत से हमें क्या लेना देना, अब हम कहाँ जाएं, हम कहाँ जाएं, हम किधर जाएं, वाओ। चलो बाहर की तरफ चलते हैं, मॉल तो मुझे बड़ा पसंद आया, और अब धूप चली गई है, हो गई है शाम, हल्की हल्की सी धूप है, और यहाँ बाहर का जो साइड है ना ये भी बड़ा अच्छा है, सुकून से बंदा यहाँ पे बैठे फोटो वोटो ले, और बहुत पुरसकून पीसफुल माहौल है यहाँ का, सुकून ही सुकून। और सामने बस स्टैंड है, और मैं दूर से आप लोग को फिर एशिया मॉल दिखा देती हूँ, ये देखिए एशिया मॉल किर्गिस्तान का, और मैंने बड़ा इंजॉय किया, सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे खाने पीने में आया, बहुत मज़े मज़े के खाने थे और बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया आज का दिन। अब थोड़ा बाहर रहते हैं, थोड़ा बाहर घूमते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या सिलसिला है, लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मॉल से अच्छा, मॉल में तो एक अपना अलग मज़ा था, बाहर मौसम इतना प्यारा है ना, तो बाहर अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है, और इस वक्त जो है ना यहाँ पर मैं जा रही हूँ ना कि यहाँ पर मैं बैठ जाऊँ और मुझको मिल जाए शाम की चाय, और चाय यहाँ मुझे कहीं मिलेगी नहीं, तो चाय का ख्वाब मैं देखना बंद करती हूँ और यहाँ पे सुकून से थोड़ी देर बैठती हूँ, फिर उसके बाद ये वीडियो को एंड करूँगी और फिर वापस जाऊँगी अपनी मंजिल की। और यहाँ बाहर भी कॉफ़ी शॉफ़ी मिल रही है, बाहर मौसम बड़ा प्यारा है, सुकून से बैठे हैं, यहाँ पर बेंचेज लगी हुई हैं, और यहाँ से कॉफ़ी जूस आइसक्रीम और भी चीज़ें हैं वहाँ पर लें, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ से कॉफ़ी लेती हूँ, कॉफ़ी पीती हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ। सो गाइज इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पर एंड, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एशिया मॉल कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझको दीजिए इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।